तो और भाई लोग की हाल चाल है, आ चुके हैं नई वीडियो लेके आप लोग के लिए, सोलो और सोलो रैंक पुशिंग की वीडियो लेके, जिसमें मैं आज कॉन्करर लॉबी में रैंक पुश करने वाला हूँ। आप लोग को दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे खेलिए, आप कैसे अपनी रैंक पुश करें। तो मैं अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप मेरा मार देख सकते हैं, वो सबसे बेस्ट जगह होती है। अभी जो मोड चल रहा है आपका रिसेंटली, जो एक शोरूम वाला आया है मोड, वो वाला चल रहा है, वो सबसे बेस्ट अभी जो चल रहा है ना, उसमें रैंक पुश करिए आप लोग। जो एंशिएंट टेंपल वाला आया है मोड, उसमें रैंक पुश करिए। उसमें शोरूम भी है, वहाँ पर गन्स मिल जाएंगी आपको, सबसे बेस्ट होता है। इस जगह पर जहाँ मैं उतर रहा हूँ उसके जस्ट सामने में ही वो शोरूम है, वहाँ से मुझे गन मिल जाएगी लूट के। फिर हम लोग जाएंगे सीधा, फिर हम लोग निकलेंगे सीधा रश करने, सीधा बंदे ढूंढने। क्योंकि अगर आप रैंक पुश करें, रैंक पुश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपको लूट चाहिए होती है, एक व्हीकल चाहिए होती है जो कि आपको मतलब थोड़ा सा और सेफ रहेगा। मतलब व्हीकल तो ऑब्वियसली चाहिए चाहिए होती है हर मैच में, चाहे वो सोलो चाहे स्क्वाड चाहे डुओ, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो होती हैं आपके पास, अच्छी लूट और आर्मर्स और किल्स। क्योंकि किल्स जब तक होगी तभी केडी भी बढ़ेगा और तभी अच्छी मतलब अच्छी रैंक पुश होगी जब किल्स होंगी आपकी। तो अब जल्दी जल्दी फटाफट से लूट लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को मिलता हूँ सीधा टेम्पल पर। तो भाई लोग, हमको वो लूट भी मिल चुकी है और कार भी मिल रही है, व्हीकल मिल रही है, एक किल भी हो गई हमारी। सीधा चलते हैं एंशिएंट टेम्पल पर, जो छोटा वाला टेम्पल था वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर लूट मिल जाएगी, हो सकता है बंदे मिल जाए। अब इसी को सोचते हुए मैं चलता हूँ वहीं पर, सीधा वहीं मिलते हैं आप लोग को। तो अब देखो भाई, हम लोग यहाँ पर एंशिएंट टेम्पल पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बंदा है, और अभी एक पैराशूट की भी आवाज़ आई थी यहाँ पर, ऐसा लगा कि कोई रुका है। तभी मुझे ये बंदा दिखता है जो कि शायद यहाँ पर लूट रहा था, मुझे फायर दिया, मुझे इससे डैमेज नहीं दिया क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं थी, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा। मैं यहाँ उतर के हील करता हूँ, तभी मुझे ये पैराशूट की जो है आवाज़ आती है, बहुत दूर से कोई ऐसा लग रहा है जैसे आ रहा हो। और यहाँ पर वो एक बंदा यहाँ पर उतरता भी पैराशूट से, देखिए मुझे यहाँ पर मार दिया। अब सबसे पहले मैं इसका किल लेता हूँ, उसके बाद फिर उस बंदे को निपटाएंगे, एक एक करके सबको मारेंगे। फिर उस बंदे को तो मार दिया, अब बारी है दूसरे वाले की जो कि उसके पीछे छुपा था। ये राइट से बिल्कुल फ्लैंक करके आ जाता है मेरी इस राइट हैंड पे आ जाता है। अब देखिए इसको कैसे मारता। तो भाई मुझे इसकी फुटस्टेप लग जाती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लूट जाती है क्योंकि मेरे पास बूस्टर नहीं था मेरे पास। अब मैं यहाँ पर एक एनर्जी सिरिंज मिलती है मुझे, अब यहाँ पर मैं जल्दी से बूस्टअप करता हूँ। मुझे इसकी फुटस्टेप्स आ गई थी, वो सामने था बिल्कुल, मैंने इसके ऊपर देखिए प्री फायर भी दिया मैंने, आ चुका था। तभी मुझे लगता है कि वो वहाँ से निकल रहा है, उसकी फुटस्टेप्स हल्की सी लगती है और मैंने उसको भारी थी उसकी पुश करने की। अब यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा और डैमेज दिया, चलो भाई इसको तो मार दिया, भारी है और बंदों की। अब जल्दी से इसको स्मोक करके लूट लेते हैं फटाफट से। अब देखिएगा यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, अब जब मैं लूट रहा होता हूँ तभी मुझे यहाँ पर देखिएगा एक बगी की साउंड आती है, और जो मेरे बगल से निकलती है, देखिए आया मार्क आया, मुझे पता लग गया कि बगी वाला अब ये यहाँ रुकेगा। बट ये देखिए राउंड राउंड यहाँ पर पहले थोड़ा सा एक दो राउंड घुमा लेते हैं, उसके बाद ये सीधा सामने वाले बुश में जाके वहाँ पर लेट जाता है। अब मैं इस पर ट्राई करता हूँ कि ग्रेनेड करने की, लेकिन थोड़ा जो ग्रेनेड था सारा लग नहीं पा रहा था, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इससे, लेकिन थोड़ा तो उसको डैमेज पड़ा था क्योंकि ये सामने वाले जो कॉन्क्रीट आपको दिख रही है वो गोल्डन वाली, उसी पे वहाँ पर ये छुपा हुआ था, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। अभी देखिएगा यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा। भी करता हूँ लेकिन तब भी ये नहीं निकलता, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी वहीं पर छुपा है, लेकिन ये वहाँ था नहीं, मैंने आपको ट्विस्ट की बात बताई थी ना। अब देखिएगा मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि यहाँ से बगी लेके निकलूँ, लेकिन
फिर पहले थोड़ा सा जंप करके देख लेता हूँ कि वहीं पर है कि नहीं। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ पीछे की तरफ, उसके पहले पेटी पे जाता हूँ, कुछ ग्रेनेड्स मौली या कुछ थ्रोएबल मिल जाते हैं तो उठा लेता मैं, थोड़ी सी एमो उठा लेता हूँ और ये थ्रोएबल दो मिलते हैं मोलीटॉफ मेरे मुझे उठा लेता हूँ, ये स्मोक भी ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं सोचता हूँ कि निकलता हूँ बगीले के एक राउंड घुमा लेता हूँ, देखता हूँ किधर है ये बंदा। मैं बगी लेके निकलता हूँ, एक राउंड लगाता हूँ, तभी मेरी यहाँ बगी ठुक जाती है, मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है कि वो लग रहा लेफ्ट वाले पिलर के कॉर्नर पे छुपा हुआ है। तभी मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चौक हो जाता है, मैं यहाँ मर जाता हूँ। देखिए अब ये देखिए, ये मैं नहीं हो सकता क्या हुआ, ये बगी से मैं जैसे उतरा मैं यहाँ मर गया। चलते हैं नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, हम नया मैच स्टार्ट कर दिया। नए मैच में मैं जॉर्जो पुल आया क्योंकि ये प्लेन पाथ से दूर था। मैंने आपको जैसे एक पहली वीडियो में बताया था कि अगर कोई सा भी अच्छी बड़ी जगह अगर प्लेन पाथ से काफ़ी दूर हो तभी आप जाएगा, वरना ऐसे मत जाएगा क्योंकि आप मर जाओगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए बंदे आए। अब मुझे भी ऐसा थोड़ा थोड़ा डर था कि यहाँ कहीं बंदा ना आया, वो बंदा ना आया, इसलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ लूट रहा था, डर डर के लूट रहा था। यहाँ देखता हूँ कि बंदा तो नहीं है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं उतर रहा था लकली। तभी मैं थोड़ा सा लूट पाट करके यहाँ से अब निकलने की सोच रहा होता हूँ, और थोड़ा सा लूट लेते हैं पहले। हाँ तो भाई लोग, हमारी लूट हो चुकी है यहाँ पर फाइनली पूरी, और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा टेंपल के लिए। टेंपल पे मैं जैसे ही जाता हूँ लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं लकड़ी। देखो भाई इतनी अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई भी नहीं है, कोई भी आया नहीं। तभी मेरी माँ में आता है, चलो कोचिंग की चलते हैं। कोचिंग की में जोन है, वहाँ पर तो बंदे होंगे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा एरिया भाई कोचिंग की है, वहाँ बंदे होंगे। तो मैं निकलता हूँ और यहाँ पर होते भी हैं बंदे, क्योंकि मुझे वहाँ फायर आया था पीछे से। तो मैं यहाँ पर घर पे चढ़ जाता हूँ, स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, तभी वहाँ राइट लेफ्ट हैंड से फायर आता है बहुत दूर से कहीं से, इस कार्यालय M4 को चला रहा होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर बंदे को ढूंढ ही रहा होता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बॉट कॉलिंग करता हूँ, मुझे लगा येलो वाले घर में आगे वो आएगा बॉट समझ के। लेकिन तभी यहाँ राइट से फुट लेफ्ट से फुट से आती है कि यहाँ पर बंदा है, तभी मुझे वो दिख भी जाता है। अब देखिए मैं इसको कैसे मारता हूँ, मैं इसके ऊपर एक मोलीटॉफ कर देता हूँ, और ये उस लकली उस मोलीटॉफ में आ भी जाता है, क्योंकि वो पूरी स्प्रेड हो गई थी, पूरे रूम में स्प्रेड हो गई थी, तो उसके बचने के कोई चांसेस ही नहीं थे। अब जैसे ही इसको मारता हूँ यहाँ से निकलता हूँ मैं, लूट लेता हूँ थोड़ा सा, इसको लूट के निकलता हूँ मैं। तभी मुझे ये US दिखती है, ये रिज पे दिखती है मुझे एक US, वो देखिए वो बंदा मेरे पे फायर भी कर देता है। और देखता हूँ मैं यहाँ पर इसको उतर के थोड़ा सा स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ से कोई दिखता नहीं है। तभी मैं सोचता हूँ कि ये बगी उठा के मैं उसके पास में चलते हैं सीधा, और देखते हैं कि वो बंदा किधर है। यहाँ आता हूँ लेकिन यहाँ पर कोई मुझे मिलता ही नहीं है भाई, देख मतलब कि फायर आता है लेकिन यहाँ कोई है नहीं। आप चाहिए थे मुझे किल्स, तो मैं निकल जाता हूँ सीधा मिल्टा के लिए, निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कोई है या नहीं है, तो निकल जाता हूँ मैं मिल्टा के लिए। अब देखिएगा भाई, यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है बगीचे, वो मुझे इतना दौड़ाता है मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ मैं इसके साथ। भाई लोग अब देखिए यहाँ पर ये बग्घी वाला बंदा मुझे दिख जाता है, और मैं उसके पीछे इतना गाड़ी घुमाता हूँ लेकिन ये रुकता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए मतलब इतना घुमा रहा है भाई, देखिए ये बहुत घुमाने वाला है मुझको, बस आप देखते जाइए बस।
तो भाई लोग मैं थक हार के मैं कार वार चेंज करके यहाँ पर मेटा आया था बंदे बंदे ढूंढने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पर भी कोई नहीं था। यहाँ कोई ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई आया ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ से भी निकलने की सोचता हूँ, लेकिन निकलने से पहले मैं एक बार सोच लेता कि वो वाले कंपाउंड में चेक कर लेता हूँ, वहाँ अक्सर बंदे आते हैं। तो मैं आ जाता हूँ ड्रॉप पे, आ जाता हूँ मैं यहाँ पर ड्रॉप में लूटता हूँ, ग्रोजा मिल जाती है, अच्छी है गन, अच्छी है, लूट सकते हैं, उठा सकते हैं, बहुत अच्छी गन है क्लोज रेंज के लिए। अब देखिए ड्रॉप लूट के मैं आता हूँ, तभी ये भाई साहब मुझे यहाँ पर लेटे हुए मिलते हैं। पता नहीं ये भाई लेट के मुझे देखा इसने और वहीं पर लेट गया, बिल्कुल नागिन बन गया ये। मैं बंदे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आ जाता हूँ थ्री स्टोरी में, तभी देखिएगा मैं यहाँ पर रिज रिज के पास जैसे ही आता हूँ तभी ये यूएस दिखती है मुझे। मैं यहाँ रुकता हूँ, इसके बाद स्पॉट करने की कोशिश करूँ, जैसे ही ये गाड़ी में बैठे तभी मैं इसको मारूंगा। और वही होता है, ये गाड़ी में जैसे ही बैठती है मैं इसको मारता हूँ, हेड भी कनेक्ट हो जाता है लेकिन ये उतरता नहीं है। पता नहीं मेरा स्प्रे पता नहीं कहाँ आसमान को छूने लग रहा है। मैं ग्रोजा से भी इसके ऊपर फायर करता हूँ लेकिन ये तब भी मुझे नहीं दिखता, मतलब ये पता नहीं कहाँ लेट गया था जाके। अब दिखेगा इसको कैसे मारें, मैं इसके ऊपर थ्रोएबल करता हूँ पहले, कुछ थ्रोएबल कर लेते हैं। अब मैं जाता हूँ इसके क्लोजिंग जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से एक और थ्रोएबल कर लेते हैं। इसने स्मोक कर दिया सामने, लेकिन ये ज़्यादा देर तक बचता नहीं क्योंकि मैं इसके एकदम क्लोज जाके कुछ मारता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ही मुझे दिख गया था लेटा हुआ, मैं इसके इसके ऊपर फायर जैसे ही करने आता हूँ इसको गोली एक भी नहीं लगती और ये मुझे फायर मतलब ये मुझे डैमेज दे देता है अच्छा खासा। मैं पीछे आके हील पहले कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस गन लोड करके इसको मार देता हूँ मैं। लेकिन अब भाई चलो ये बंदा भी क्लियर हो गया, मैं सोचता हूँ कि इसकी पेटी लूट लो के, लेकिन इसकी पेटी ये भाई साहब मुझे दिखते हैं इनको, मैं तो क्या बताऊँ, मैं इसको तो बहुत थोड़ी सी एमओ में मार देता हूँ मैं इसको। अब इन लोग को मारने के बाद मैं निकल आता हूँ, सीधा आ जाता हूँ वेल्टा में यहाँ थ्री स्टोरी पे। मुझे यहाँ पर एक गाड़ी दिखती लगी, मुझे लगा यहाँ पर कोई बंदा होगा, तभी वो ग्रेनेड का आता है मुझे साइन आता है वहाँ पर, ऐसे लगा ग्रेनेड फटा है वहाँ पर दूर पे कहीं, लगता है ये रेड वाले हाउस में था मुझे लगा, लेकिन वो वहाँ होता नहीं क्योंकि इन लोग की फ़ाइट हो रही थी होती है, एक MK वाला और एक ऑक वाले की फ़ाइट हो रही होती है वो दूर पे जो रेड हाउस होता है छोटा वहाँ पर। तो मैं वहाँ से निकल के इन लोग के क्लोज में आ जाता हूँ यहाँ पर, तभी मुझे सप्रेस्ड गन की आवाज़ आती है और मैं यहाँ पर उस बंदे को देखने लगता हूँ, लेकिन यहाँ कोई दिखता नहीं। तभी किल मैसेज में दिखता है एक बंदा मर चुका है, बाकी बचते हैं दो बंदे खाली। जैसे लगा यहाँ पर कोई आया, फुटस्टेप्स लगी थी हल्की सी लेकिन यहाँ कोई दिखा नहीं मुझे। तभी मैं यहाँ देखता हूँ कोई भी नहीं था यहाँ पर, इस जगह पर कोई नहीं था, सब बंदे जो थे आगे फाइट कर रहे थे पता नहीं किधर से। तो भाई लोग मैं वहाँ से हट जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर जोन नहीं था। अब यहाँ पर मुझे हल्की सी एकदम साउंड लगती है जैसे कोई प्रोन करके घिस रहा है, और देखिएगा अब यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि एकदम मेरे पीछे लेटा होता है, मुझे लगता है ये राइट में है लेकिन वो गलत था, अब ये यहाँ पर लेटा हुआ था, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी, फुटस्टेप्स लगी थी बट पता नहीं था। चलिए इसको तो मार हील लगा लेते हैं, और अब लास्ट बनने की तलाश में था और तभी मुझे पता लग जाता है कि वो सामने, इसने मेरे पर थ्रोएबल करा, अब मुझे थोड़ा सा डैमेज पड़ा, मैं यहाँ पर हील लगाने की कोशिश करूँ लेकिन तभी पीछे से जोन आ रहा था काफ़ी तेज़। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ कूद के, इसने मेरे पर तब भी फायर नहीं करा, मैं यहाँ से अच्छा एंगल था उसके पास फायर कर सकता था लेकिन इसने फायर नहीं करा, ये इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहता तो मुझे मार सकता था, चिकन अपने नाम कर सकता था। लेकिन थोड़ा सा जोन का डैमेज देते हुए मैं इसके ऊपर पुश करता हूँ, लेकिन ये और ये मेरे पर फायर करता है, मैं ट्राई करता हूँ उसके ऊपर थ्रोबल करने का लेकिन एक भी लगता नहीं। पहले तो पिन खींच के इसको थोड़ा डराता हूँ, लेकिन अगली जो बार पिन खींचता हूँ तो वो इसके ऊपर ग्रेनेड ही कर देता हूँ सीधा। अब देखिए ये एक भी ग्रेनेड से तो सब ग्रेनेड से तो बच जाता है, एक भी ग्रेनेड से मरता नहीं है ये, पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया था कालखोटरी में नू। अब भाई लोग देख ले जितने भी ग्रेनेड्स थे मेरे पास मैंने सब कर लिया, मैं इसके ऊपर पुश करने की सोचता हूँ, पुश करा लेकिन
ये बंदा मेरे पे बिल्कुल पुश करने के मूड में नहीं था, ये कोई इरादे में नहीं था, बिल्कुल ऊपर जाके एक जगह बैठा हुआ था बिल्कुल। अब देखिए भाई, मैं इसके ऊपर डायरेक्ट तो चढ़ नहीं सकता, उसके हाथ में एमके थी, पता नहीं कौन सी कोई अच्छी गन थी उसके पास। अब इतना एग्जैक्ट तो पता नहीं कौन सी गन थी, लेकिन हाँ अच्छी गन थी। तो ये बंदा एकदम एकदम कैंपिंग कर रहा था, एकदम गंदी वाली कैंपिंग कर रहा था। थोड़ा सा ड्रिंक मारता हूँ, वो भी ड्रिंक मार रहा होता है, थोड़ा सा ड्रिंक मार लेता हूँ और मैं बाहर निकलता हूँ। ट्राई करता हूँ कि वो दीवार पर चढ़ के मारूँ, थोड़ा सा देखता हूँ पहले किधर है, इसके फुटस्टेप थोड़ी देख लेता हूँ। अब बाहर निकल के मैं दीवार के पास आ जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि बंदा किधर है, लेकिन मुझे पता नहीं, ये दिखता नहीं, कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। तभी पता लग गया था कि यहाँ पर बैठा है, क्योंकि इसकी गन भी ग्लिच हो रही थी। एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया, उस वाले राइट वाले कॉर्नर पे जाके बैठा होता है। फिर तभी यहाँ पता नहीं क्या कर रहा था, ये हर जगह एकदम घूम रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि दीवार पे चढ़ के क्यों ना इसको मार दें टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं चढ़ता ना तब तक ये मुझे मार के मतलब अपने चिकन नाम अपने कर लेता, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं देता। लेकिन अब देखिए मेरे सामने आ जाता है ये, बिल्कुल मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, लेकिन ये मेरे सामने आ जाता है। और देखिए अब इसको मैं इजीली मार देता हूँ और चिकन अपने नाम कर लेता हूँ आसानी से। तो भाई लोग, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, और मैं कल भी वीडियो लाऊंगा, एक नई वीडियो लाऊंगा स्क्वाड की, मतलब कोई अच्छी नई वीडियो लाऊंगा मैं कल भी, डे टू भी डालूंगा वीडियो, तो उसको लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। और ये वाली जो वीडियो देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा अपने भाई का सपोर्ट भी करिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, पीस। I don't give a fuck about your bros. I don't give a fuck about your toes.